पांच बज चुके हैं, पांच बजे दी वड्डियां पांच खबरां दे हाजिर हैं, जिस ते जिहड़ा एनालिसिस है खबरां नूं लैके और खबर दे पिछे दी की खबर है, सारियां चीज़ां समझण दी कोशिश करांगे। पांच अज दीआं जिहड़ियां वड्डियां खबरां उहनूं दसण दे लई पांच मेरे सहयोगी है जिहड़े वख-वख थावां तों फील्ड दे विचों ग्राउंड जीरो तों साडे नाल मौजूद रहणगे। सो तुहानूं दस दईए, सब तों पहलां अमृतसर तों हरमीत होणगे, समतप्रीत सिंह चंडीगढ़ तो होंगे, पुनीत कौर चंडीगढ़ तो न्यूज़ रूम चो साडे नाल जुड़नगे, फरीदकोट तो जगतार दोसांझ होंगे। फरीदकोट पुलिस की फिर जिहड़ा ट्वीट उन्होंने वालों किया गया कि संदीप बरेटा नहीं फड़िया गया इस मामले ते। इस तो अलावा मोहाली तो बजम वर्मा साडे नाल मौजूद रहणगे। सो अमृतसर गैंगस्टर जिहड़ा अमृतसर दे विच जरनैल सिंह उसका कतल कर दिता गया, गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल संबंधित दसिया जा रहा सी। ये तमाम जिहड़ियां खबरां ने इहदे ते अज चर्चा और इहदे ते जिहड़ियां जुड़ियां जानकारियां ने उह तुहानूं दस्सांगे। बेअदबी का दोषी शुरुआत करांगे, पहली खबर बेअदबी का दोषी मुख साजिशकर्ता संदीप बरेटा नूं गिरफ्तार करन दी गल है जिहड़ी उह कल सामने आई सी। बेंगलुरु एयरपोर्ट तों संदीप बरेटा नूं गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप बरेटा पिछले 8 साल तो भगौड़ा है और 8 साल तो पुलिस दे हाथ नहीं आया। संदीप बरेटा जिहड़ी पहली SIT बेअदबी मामलों बरगाड़ी बेअदबी मामले दे विच जिहड़ी पहली SIT बनी सी रणबीर सिंह खट्टरा होरां दी अगवाई च, उस SIT ने संदीप बरेटा दा मुख तौर ते जिक्र कीता सी। संदीप बरेटा डेरा सच्चा सौदा दी जिहड़ी सियासी विंग है, सियासी कमेटी है, उहदा मेन करता धरता सी जां उस कमेटी दा हिस्सा सी। संदीप बरेटा ते ही ये इल्जाम सी कि जिहड़ी जिन्नी कॉन्सपीरेसी और जिन्नी ये जिहड़ा जाल बुनिया गया है साजिश दा, उहदे च संदीप बरेटा सब तो सिखरला शख्स सी और इहदे नाल जुड़े हुए कई होर लोग ने जिहड़े ओह सी। संदीप बरेटा के बारे खबर सी कि कल बेंगलुरु एयरपोर्ट तो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ के वलों उसनू डिटेन कर लिया गया। उस तो बाद पंजाब पुलिस एक ट्वीट कर दी है कल कि सैक्रिलेज जां बेअदबी दे केसां दे विच जिहड़ा मुलजम चाहिए संदीप बरेटा वह फड़ लिया गया। उस तो बाद कल ही बाद दोपहर जिहड़ी एक टीम है पंजाब पुलिस की वो रवाना हो गई सी बेंगलुरु दे वल ते उत्थों तां कि जिहड़ा संदीप बरेटा उहनूं लिआंदा जा सके। पर अज दिन शुरू होया तां खबर यह सामने आई कि संदीप बरेटा दरअसल फड़िया ही नहीं गया और पंजाब पुलिस की जिहड़ी टीम है वह बेरंग परती। उस तो बाद फरीदकोट पुलिस के वलों साफ किया गया कि संदीप बरेटा नहीं, मिलते जुलते नाम वाला कोई शख्स हैगा जिहड़ा वह अरैसट इस मामले दे विच कर लिया गया। लुकआउट नोटिस फरीदकोट पुलिस दे वल्लों जारी किया गया पिछले लंबे समय तो। जगतार दोसांझ साडे नाल बने हुए जगतार, इस वक्त जदों संदीप बरेटा साफ हो गया संदीप बरेटा नहीं फड़िया गया तो थोड़ियां जिहियां क्योंकि तुहाडी पुलिस प्रशासन दे नाल फरीदकोट लोकल गल हुई होगी तो किस आधार ते जिहड़ी पंजाब पुलिस की एक टीम हैगी फरीदकोट पुलिस की वह रवाना होगी बेंगलुरु दे वल, की जिहड़ियां फोटोज़ रिलीज़ होईयां है पुलिस दे कोल की संदीप बरेटा की कोई फोटो ही नहीं है अज तक, जिस करके संदीप जिहड़ा शख्स फड़िया गया उहदी फोटो सामने आ गई सी तां पुलिस नूं पछाणन दे विच गलती कित्थे लगी है? क्योंकि जो भी दस्तावेज फरीदकोट की अदालत वालों भगौड़ा करा दिता गया, उस तो बाद जो उस संबंधित जिन्ने भी फोटो सन जो उस परिवार बारे से उसकी स्टडी बारे पढ़ाई बारे जिनी भी जानकारी थी होर सारिया गुढ़िया जानकारियां सारिया उसे मैच किया गया। जो अज सुबह उस तो बाद जो फरीदकोट पुलिस वालों ट्वीट किया गया कि जिनी भी जानकारी सी सिर्फ उसके पिता का ना ही जो मिलेगा, बाकी ना ही फोटो उस तरह प्रोपर फोटो मिल रही थी ना ही कोई होर जी जानकारी सी प्रोपर मिल रही, जिसके कारण एक बार उस व्यक्ति को जो छड़ दिया गया। हालांकि जेकर जांच की जरूरत पैंती है तो दोबारा फिर उसको बुलाया जा सकता है। पर इस विचकार जगतार सब तो जिहड़ी अहम चीज़ है कि जिदा मैं पहला भी जिक्र कर रहा कि पंजाब पुलिस दे कोल फरीदकोट पुलिस दे कोल
संदीप बरेटा की पछाण करन दा कोई तरीका जां फिर जिहड़ी फरीदकोट पुलिस उन्हां कोल कोई फोटो नहीं है संदीप बरेटा की? गल करिए इस मामले के तीन सन संदीप बरेटा, संदीप कलेर और हर्षपुरी इन्हें तिने फोटो जारी कर दी गई सन। उस तो बाद जो है उतो मुखबिर मिल गया उस काफ़ी चीज़ा मिलदियां करना भी एक बार जो फोटो उतों अंबेसी तो सामने आई थी, एयरपोर्ट तो जी फोटो सामने आई थी उसके आधार पर फरीदकोट पुलिस ने उतो पहुंची सी। तो उन्होंने कहना है कि जी फोटो के जो व्यक्ति उसे मिलेगा उसके काफ़ी फर्क सगा जिस कारण कई चीज़ा नहीं मैच हुई। हालांकि पला झाड़ती नजर आ रही है, पर इतने सवाल भी खड़े होंगे ने कि पहला इतों टीम गई है कि उन्होंने जो पहला लोकल नोटिस जारी किया गया उस संदीप बरेटा बारे की पुख्ता जानकारी नहीं सी, क्योंकि दूजे पास एस एस पी ने भी यही कहना कि साढ़े को जिनी क जानकारी सी, क्योंकि लगातार इन्हें जमीन की जी पिछले दिन वेखे गए कुर्की की गल कही जाती थी कि जाने बारे हूँ तक उन्होंने कहने साढ़े को जो भी इंटैलीजेंस जरिए जिनी भी साढ़े को जानकारी सी उसके आधार से असं उत्थे गए थे उत्थे जी व्यक्ति पूछगछ की गई सी। फिलहाल जो उन्होंने कहना है कि उस मामले की उम्र का भी काफ़ी फर्क दसा जा रहा है, क्योंकि संदीप बरेटा की उम्र ज्यादा लग रही है पर इस व्यक्ति की उम्र का जो काफ़ी फर्क है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जगत इस तमाम जानकारी के लिए। सो एक बार फिर अपने दर्शकों को दस दिए कि संदीप बरेटा दरअसल नहीं गिरफ्तार होया, उसकी जगह किसी होर शख्स को गिरफ्तार जिहड़ा डिटेन कर लिया गया सी, पर जदों कन्फ्यूजन दूर हुई है तो फिर पंजाब पुलिस बेरंग मुड़ी है बेंगलुरु तो। अगे वधदे आं अमृतसर दे विच एक बार फिर गैंगवार है जिहड़ी चिट्टे दिन दिन दहाड़े गैंगवार हुई है, गैंगस्टर जरनैल सिंह दा कतल कर दिता गया, चार शूटरां ने 20 तो 25 गोलियां जरनैल सिंह नूं बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक ते मारियां गईयां ने अंदर वड़ के। करीब 15 तो 20 सैकेंड है जिहड़े ए जिहड़े शूटर सी ओह गोलियां वराउंदे रहे जरनैल सिंह, ते जरनैल सिंह दे बारे पुलिस सूत्रां मुताबक ये कहा जा रहा है कि गोपी घनश्यामपुरिया गैंग दे नाल इह शख्स जरनैल सिंह है जो वो संबंधित सी और आपसी जिहड़ी रैवेलरी गैंग्स दी हैगी है पंजाब दे विच उसे दे चलदिआं इस ते 3 शूटरां दे वल्लों अज हमला कर दिता गया और इसनों 20 तो 25 गोलियां मारिया गई, मौके पर ही जरनैल सिंह की मौत हो गई। हरमीत सिंह मेरे सहयोगी अमृतसर तो जुड़े हुए, हरमीत हुण तक की जानकारियां सामने आईयां, किसी का पता लग सकिया कि जिहड़ा राइवल गैंग सी उहदे किहड़े लोकां दे वल्लों यह मारिया गया जां किहड़े गैंग दे वल्लों यह कार्रवाई है जिहड़ी की गई? गुरप्रीत सब तो पहले इन्नी गल दस दें कि जदों अमृतसर दे विच जरनैल सिंह की बॉडी पहुँचती है पोस्टमार्टम के लिए तो सब तो वड्डा बवाल इत्थे खड़ा होंदा कि उसका परिवार यह नहीं मानता कि वह गैंगस्टर सीगा, उन्हें यह किया कि साडा जिहड़ा पुत सीगा वो लंबे समय तो खेती कर रहा और अपने घरेलू काम दे विच ध्यान आ उसका, इस गैंगवार या गैंगस्टर दे विच इसका कभी नाम नहीं आया, यह परिवार का दावा, परिवार के जिहड़े काफ़ी संगी साथी दोस्त मित्र सारे इत्थे पहुँचे हुए ने और वड्डी भीड़ जमा आया पोस्टमार्टम के बाहर, तो मीडिया में भी काफ़ी बार समझाया गया उन्होंने वालों के रोकया गया कि साड़ी कोई भी शॉट ना लो वीडियो ना लो, सारा जिहड़ा मुंडा सीगा नजायज़ मरिया और पुलिस हुण तक जिहड़ी है लगातार जाँच कर रही है। फिलहाल एस एस पी सतेंद्र सिंह एस एस पी देहाती जो ने उन्होंने प्रैस वार्ता की, उन्होंने प्रैस वार्ता में कहा कि जो चार अणपछाते व्यक्ति आए थे उन्होंने की पछाण हजे तक नहीं हो सकी, पर असी हर एंगल तो जांच करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कहते हैं कि यह गोपी घनश्यामपुरिया गैंग के नाल संबंधित सीगा, पर कई का दावा है कि गोपी घनश्यामपुरिया ने इत्थे गोलियां मारिया ने, इहदे घर वड़ के गोलियां मारन की कोशिश की है। तो फिलहाल जिहड़ी सीसीटीवी सामने आई है उस विच कोई दुकान सीगी फीड की जिथे जरनैल सिंह पहुँचता है तो उसके मगर ही जिहड़े चार नौजवान पहुँच के गोलियां भरानियां शुरू कर देंगे ने, तो एक जिहड़ा जख्मी भी हुंदा जो नाल घड़ूके ते आया हुंदा उसनों भी अमृतसर गुरु नानक हस्पताल भर्ती कराया गया। और हुण तक की गल करिए पुलिस का दावा है कि असी कुछ भी अजे इन्नी जल्दी नहीं कह सकते कि किसने मारिया गोलियां जां जरनैल सिंह का बैकग्राउंड की सी, उन्होंने कहा हाँ हुण तक 2-3 मामले दर्ज रहे ने पिछे जिस दे चलदे आ कि फिलहाल असी हर एंगल तो यह जांच करनी शुरू करांगे। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हरमीत इस तमाम जानकारी दे लई। सो पंजाब पुलिस के मुताबिक जां अमृतसर पुलिस के मुताबिक 2 या 3 मामले है जिहड़े हिस्ट्री शीट हैगी है दरअसल जरनैल सिंह दी, पर परिवार ये कह रहा है कि जरनैल सिंह दा इस गैंगवार दे नाल जां किसी गैंगस्टर दे नाल जां किसी गैंग दे नाल कोई संबंध नहीं सी, वो
आम अपनी जिंदगी जीवन वाला एक नौजवान से जिस पर हमला होया तो उसका कतल किया गया। अगे वधदे नवे संसद भवन के उद्घाटन लैके सियासी संग्राम होर तेज़ हो गया। विरोधी धिर दरअसल मांग कर रही ने कि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन ना करन बल्कि राष्ट्रपति तो इसका उद्घाटन करवाया जाना चाहिए। जे विरोधी पार्टियां की बाकी विरोधी धिर की गल करिए उस दे विच भी तृणमूल कांग्रेस के वलों आम आदमी पार्टी के वलों जनता दल यूनाइटेड नितेश कुमार उन्होंने पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल जी लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव उन्होंने पार्टी उन्होंने वलों भी उद्घाटनी समागम का समारोह का बाइकॉट कर दिता गया। 19 विरोधी धिर ने जिहड़ियां वह उद्घाटनी समारोह के गैर हाजिर रहनगियां। संसद के लोकतंत्र की आत्मा ही खत्म हो जाए तो नवी इमारत की कोई कीमत रह नहीं जाती, ये विरोधी पार्टियां दे वल्लों कहा जा रहा है। सो इस खबर तो पुनीत कौर मेरे सहयोगी जुड़े हुए न्यूज़ रूम तो। पुनीत, ये क्योंकि इस तरह का मसला हो गया हुण सेंट्रल विस्टा का कि जिथे एथिक्स की कहिंदे है एथिकली या डेमोक्रेटिक जिहड़ी प्रैक्टिस है वह की कहिंदी हैगी उन्नू तां सबनू दरकिनार कर दिता गया, पर की इस बिल्डिंग का जिहड़ा उद्घाटन है उहदा पहला जिहड़ा जे एथिकली देखिया जाए या डेमोक्रेटिक जिहड़ियां प्रैक्टिस हैगी मुल्क दी उहदे हिसाब नाल की इह राष्ट्रपति तों नहीं करवाया जाणा चाहीदा इहदा उद्घाटन? जी जिहड़ा तुहाडा सवाल है विवाद भी उस सवाल दे विच ही है क्योंकि जो तुसी एथिक्स की गल की है एथिक्स ये भी कहिंदे आ कि संसद जिहड़ी है जे उसका उद्घाटन हो रहा है 65,000 कामियां ने इन्नी छेती काम कंप्लीट किया मेहनत उन्हां दी लगी हुई है उद्घाटन हो रहा है तो सबनों पहुँचना चाहिए। पर जिहड़े विरोधी ने जिहड़ियां 19 पार्टियां ने बिल्कुल बायकॉट कर दिता कि असीं जाणे ही नहीं, वो 19 पार्टियां भी अपनी गल नूं एथिक ही दस रही ने मोरैलिटी ग्राउंडस से दस रही ने क्योंकि वो पार्टियां ये कहिंदियां ने कि लोकतंत्र की जब आत्मा ने खिंच लिया गया जब राष्ट्रपति नूं इनवाइट ही नहीं किया गया तो फिर सानूं ये नवी इमारत नज़र ही नहीं आ रही। सो उन्होंने कहा कि साढ़े वास्ते नवी इमारत कुछ नहीं है, वो इसनूं संसद मनन तो भी यानी जे ये कह रहे हैं कि नवी इमारत कुछ नहीं है तो यह मतलब यह है कि उसनूं संसद मनन तो इनकार कर रहे हैं। दो पहलू ने जिमें कि संजय राउत यह भी गल कहते हैं कि जी ये तो साड़ी जी संसद है इन्नी पुरानी है इनू भी कुछ नहीं सी होया ते दूजा पहलू जड़ा है वो राष्ट्रपति इनविटेशन वाली गल तो उद्घाटन वाली गल हैगी। सो अजिहे विच जदों ये सारा कुछ सामने आ रहा है 19 पार्टियां ने एक जॉइंट लैटर जारी किया जिस दे विच उन्होंने बाइकॉट की गल वह साफ साफ लिख दी गई है। हालांकि अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की गल नूं कवर अप करन की कोशिश भी की सब नूं इनविटेशन भी दिता पर इस गल नूं कोई भी ध्यान विच फिलहाल नहीं रख रहा। हाँ, पंजाब वालों अकाली दल वालों दलजीत सिंह चीमा का वर्जन जरूर आता है कि संसद है माण वाली गल है उद्घाटन है क्यों नहीं जावांगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत इस जानकारी दे लई। सो एक बार फिर अपने दर्शकों को दस दिए कि रेड़का जिहड़ा डेडलॉक है वह बनिया होया कुछ विरोधी पार्टियां ने जिहड़ियां वह कह रही ने कि प्रधानमंत्री क्योंकि खुद लोग सभा के मैंबर ने सो उन्हां दी थां ते एक लोक सभा मैंबर ने जिहड़े उन्हां दे वल्लों ही उद्घाटन नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति दे वल्लों कीता जाना चाहिए। अगे वधदे आं, अज 12वीं जमात दा जिहड़ा रिजल्ट है नतीजे ने पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों ऐलान दिते गए और पहलियां जिहड़ियां 3 पोजिशनां ने फस्ट सैकेंड एंड थर्ड वो तिन्ना ते कुड़ियां काबज होईयां ने और पहला जिहड़ा स्थान है वह मानसा ज़िले के सरदूलगढ़ दे नाल संबंधित है एक स्कूल उत्थों दी जिहड़ी बच्ची है सुजान कौर उस दे वल्लों पहला स्थान पूरे पंजाब दे विच्चों टॉप किया गया और 500 अंकों दे विच्चों 500 अंक हासिल किए गए हैं 100%। तो कल UPSC का रिजल्ट दे विच भी कुड़ियों ने बाजी मारी सी, अज 12वीं का जिहड़ा नतीजा है एज यूजुअल उहदे विच भी कुड़ियों ने पहले 3 स्थानों दे कुड़ियां काबज हुईयां ने। पहले स्थान पर तुम दस दिए सुजान कौर जो मानसा ज़िले के सरदूलगढ़ दे एक स्कूल दे विचे बच्ची पढ़ रही थी उस दे वलों 500 out of 500 500 अंक हासिल करके 100% पहला स्थान पूरे पंजाब दे विचों हासिल किया गया। दूजे स्थान पर भी एक बच्ची है श्रेया सिंगला ये बठिंडा दे एक स्कूल दे विच जिहड़ी इस विद्यार्थन ने बठिंडा दे स्कूल दे विच पढ़ दी है इसका सैकेंड है जिहड़ा
ऑल पंजाब की जो गल कर रही है ऑल ओवर पंजाब तो यह दूजे स्थान पर हासिल किया। इस तो अलावा नवप्रीत कौर है जी लुधियाना देख स्कूल तो ये जी विद्यार्थी ने पढ़ी हुई और इन्हें 497 अंक हासिल करके तीजा स्थान हासिल किया। सो पहले तीन फस्ट सैकेंड एंड थर्ड दे विच कुड़ियां दे कोल ही ये स्थान ने और कुड़ियां ने ही बाजी मारी है। सुजान कौर दे वल्लों 500 चो 500 अंक हासिल किए गए ने। बठिंडा दी श्रेया सिंगला दे वल्लों 500 चो 498 अंक हासिल किए गए ने। इस तो अलावा लुधियाना दी जो विद्यार्थी ने नवप्रीत कौर इस दे वल्लों 500 दे विचों 497 अंक हासिल किए गए ने और ये तीन पोजिशन से फिर कुड़ियों का ही कब्जा होया। अज पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वलों 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिता गया और उन्होंने नतीजों के मुताबिक फिर एक बार धिया ने विद्यार्थियों ने कुड़ियों ने जड़ा वो पहले स्थान हासिल किए ने। सो अज फिलहाल जी टॉपर आई है धी पूरे पंजाब दे विचों विद्यार्थन जो बची है सुजान कौर वो इस वक्त मौजूद ने डेली पोस्ट पर। सुजान कौर तुहाडा बहुत स्वागत है और सब तो पहला बहुत वधाइया इस शानदार नतीजे दे लई। दूजी गल किवें तैयारी की तुसी के 500 चो 500 अंक हासिल किए किन्ने घंटे की जिहड़ी है सिटिंग रोज़ की होंदी सी तुहाडी? तुहाडे कोल आ रहे हैं दोबारा सुजान कौर, थोड़ी कोई ऑडियो दे विच प्रॉब्लम है, उन्होंने एक बार ठीक PCR दे वल्लों देखा जा रहा है। एक बार फिर अपने दर्शकों को दस दिए पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड के वल्लों 12वीं जमात के नतीजे ऐलान दिए गए 92.47% जिहड़ा पास प्रतिशत रहा है। लड़कियां ने पहले तीन स्थान हासिल किए ने मानसा दे सरदूलगढ़ दे स्कूल दे विच पढ़दी विद्यार्थन सुजान कौर पहले नंबर पर है और 500 चो 500 अंक ऑल ओवर पंजाब इन्हां दे वल्लों पहला स्थान हासिल किया गया टॉप किया गया। दूजे स्थान पर बठिंडा दी श्रेया सिंगला जिस दे वल्लों 498 अंक हासिल किए गए 500 चो, तीजे नंबर पर लुधियाणा दी नवप्रीत कौर है जिन्हां दे वल्लों 497 अंक हासिल किए गए है 500 दे विचों। सो सुजान कौर वो धी जिस दे वल्लों टॉप किया गया। हाँ तो मैं सुजान कौर तुहाडे तों ये पूछ रहा सी कि किन्ने घंटे की सिटिंग रहिंदी सी तुहाडी, किन्ने घंटे तैयारी करते सी हर रोज़ कि 500 चो 500 आ गया, मतलब कोई कट भी नहीं पाया एक भी नंबर तुहाडा? अच्छा तो जो आज तुहानू रिजल्ट पता लग गया पहला रिएक्शन तुहाडा की सी? तैयारी की होगी पंजाब चो नहीं सी। अच्छा तो जो अज रिजल्ट तुहाडे पेरेंट्स दे वल्लों सुनिया गया जां जदों उन्हां नूं पता लग्या तां उन्हां दा की रिएक्शन सी फिर? मम्मी पापा बहुत ज़्यादा मान महसूस कर रहे सी, उन्हां नूं भी यकीन नहीं सी हो रहा, बहुत ज़्यादा खुशी दा मौका सी दा सारे मतलब बहुत ज़्यादा खुशी। ठीक है। अच्छा तो तुसी सरदूलगढ़ दे रहण वाले हो जां नेड़े किसे पिंड तो सुजान कौर? सरदूलगढ़ दे थोड़ा दूर इक पिंड दा कुछ मंडी छोटा जा, मैं उत्थों दी वसनीक। ठीक है तो सब्जेक्ट्स है जेडे वो तुहाडे कोल केड़े केड़े सीगे? सब्जेक्ट्स मेरे कोल है सी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश पंजाबी एंड फिजिकल एजुकेशन।
ठीक है, तो यदि तैयारी हैगी जी वो सेरा तुसी जब मैं एक लाइन दे विच पुछा तुहानू कि एक लाइन च कंकलूड कर दे किदे सर सेरा तुसी समझदे हो कि बन्निया जाना चाहिए तुहाडी मेहनत जां टीचरां दी गाइडेंस जां तुहाडे मां बाप की जिहड़ी सपोर्ट हैगी ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਕੋਲਜ ਸੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਡੀਪਲੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਨਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ गल कर रहे सी तुसी के मां बाप दे वल्लों बहुत साथ दिता गया तो मैं एक बार ये भी तुहाडे तो जानना चाहना दर्शक भी जानना चाहते होणगे तुहाडे जिहड़े पेरेंट्स ने उन्हां दा पेशा की है वो की करदे ने मेरे पापा पहला आर्मी हैगे सी रिटायर हो के चंडीगढ़ पुलिस दे विच जॉब करदे ने ते मेरी मम्मा हाउसवाइफ ने ठीक है ते मम्मा की करदे आ तुहाडे हाउसवाइफ ही और फादर आर्मी सी ठीक है तो तुहानू पढ़ाउण दे लई घरे कोई तुहाडा वड्डा जिहड़ा है भैण भरा सी जां खुद ही अपनी सैल्फ स्टडी कीती है तुसी सारी सैल्फ स्टडी करदे रहे अच्छा ठीक है सो बहुत शुक्रिया सुजान कौर और तुहाडे चंगे भविख दे लई असी जिहड़ी आ कामना करदे हां दिली कामना है बहुत शुक्रिया डेली पोस्ट ते जुड़न दे लई सो सुजान कौर नां दी बच्ची इस वक्त लाइव साढ़े नाल मौजूद सी सुजान कौर सरदूलगढ़ मानसा डिस्ट्रिक्ट दे विच सरदूलगढ़ एक कस्बा है उत्थों दे रहण वाले ने ते 500 चों 500 अंक जिहड़ा 12वीं आर्ट्स दे विचों नतीजे जिहड़े ऐलाने गए ने उन्हां ने हासिल कीते ने इस तो अलावा पहलियां तीन पोजिशन तो कुड़ियां ही ने पहला जिहड़ा स्थान है पूरे पंजाब दे विचों टॉप सुजान कौर ने किया मानसा डिस्ट्रिक्ट रहने वाले ने दूजा नाम है जिहड़ा वो श्रेया सिंगला बठिंडा दे रहने वाले ने ते लुधियाणा दी रहने वाली जिहड़ी बच्ची है नवप्रीत कौर इन्हां दे वल्लों तीजा स्थान हासिल किया गया है सो अज पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों नतीजे ऐलान दिते गए बजम वर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए बजम रिजल्ट कुल मिला के चंगा किया जा सकता 92.47% है जिहड़ा पास प्रतिशत है पास परसेंटेज है वो अपने आप दे विच वधिया है कुल किन्ने जिहड़े विद्यार्थी है इस बार बैठे सी जिहड़े पेपर दे विच प्लस टू की जो आप गल करते हैं और किन्ने उन्हां दे विचों पास होए है इस तरह का जिहड़ा डेटा है वो सांझा किया गया PSEB दे वल्लों गुरप्रीत उस डेटा ते ही गल कर लैने आ क्योंकि फैक्ट्स ते फिगर साढ़े कोल आ चुके ने जे पास परसेंट की गल की जाए तो 92.47% जिहड़ा हैगा इस बार का पास परसेंटेज रहा है पर जे कुड़ियां दे पास परसेंटेज की गल की जाए तो 95.14% मुंडिया की की जाए तो 90.25 यानी 5% 5.14% कुड़ियां जिहड़ियां ने ओह पास परसेंट अगे रहा है कुड़ियां ने इससे भी जिहड़ा है अगे रहियां ने जे ट्रांसजेंडर की गल करिए 100% पास जिहड़ा परसेंटेज रहा है उस तों इलावा जे पास परसेंट अर्बन एरिया देखो शहर ते पिंड की हमेशा असीं जिहड़े कंपैरिजन करते हैं तो इत्थे जे गल कर लिए अर्बन एरिया की अर्बन एरिया का रहा 92.90 ते रूरल एरिया दे रहा 92.17 ज्यादा वड्डा फर्क नहीं हैगा थोड़ा जिहा हैगा इस तों इलावा जे आपां गल कर लैने अगे अगे गल करदे आं इस साल 2,96,709 बच्चों वालों जिहड़ा है एग्जाम दिता गया सी हालांकि पिछली बार बहुत ज्यादा बच्चे सीगे इस तो ज्यादा सीगे पिछली बार जिहड़ा है 3,16,852 बच्चों वालों जिहड़ा है वो एग्जाम दिता गया सीगा जे कंपार्टमेंट की गल कर लिए तो 18,570 बच्चों की कंपार्टमेंट आई है फेल की गल कर लिए 3,637 बच्चे जिहड़े है वह फेल हुए ने
जे कमर्स की परसेंटेज की गल कर लिए तो 98.30% बच्चों का पासिंग रहा है, जे आर्ट्स की गल कर लिए 90.62% रहा है, जे साइंस की गल कर लिए 98.68% रहा है, तो वोकेशनल की जो गल करते हैं उससे थोड़ा घट रहा सारे का 84.66 ते नाल दे नाल जे पास पटने परसेंटेज की गल कर लिए ओपन स्कूल की तो उस दे विच भी कुड़ियां जिहड़ियां ने अगे ने 83.06 जे मुंडिया की गल करिए 73.13 रहा है, इतने सीधा 10% का जिहड़ा हैगा वो मार्जिन आ जांदा फर्क पै जांदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया बजम इस तमाम जानकारी लई। सो पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड दे वल्लों जिहड़ा नतीजा है वह ऐलान दिता गया 92.47%, करीब 92.5% जिहड़े विद्यार्थी ने वह पास होए ने। अगे वधदे हां, सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों फिर भगवंत मान सरकार नूं घेरिया गया, अज अबोर दे विच अकाली दल दे वल्लों धरना दिता गया सी और धरने की मुख मंग यह सी कि राजस्थान नूं पाणी देण दा जो फैसला सरकार दे वल्लों कीता गया, यह दावा अकाली दल दे वल्लों कीता जा रहा है कि अंदर खाते 1250 क्यूसक पाणी होर राजस्थान नूं देण दा फैसला कीता है पंजाब सरकार ने। सो इसे नूं लैके धरना अज अबोर दे विच सुखबीर सिंह बादल होणा दी अगवाई दे विच अकाली दल दे वल्लों लगाया गया ते कुल मिला के जिहड़ा धरने दे विचों जदों संबोधन कीता सुखबीर सिंह बादल ने तां उन्होंने कहा कि पंजाब दे हक च फैसला इसलिए नहीं भगवंत मान सरकार कर सकती क्योंकि फैसले ही अरविंद केजरीवाल करते हैं, लोक हित दीआं सारीआं स्कीमां उन्हां दावा कीता कि श्रोमणी अकाली दल दे वेले चलीआं ते हुण बंद हुंदीआं दिख रहीआं ने। पानी देण दे नाल पंजाब ते राजस्थान दा जिहड़ा पाणियां नूं लैके जिहड़ा समझौता है जां जिहड़ी सरहंद फीडर गंग नहर हैगी जिहड़ी उह चलदी है उस दे राहीं 1250 क्यूसक पानी होर देण दा फैसला कीता जो गलत है। समतप्रीत सिंह मेरे सहयोगी इस खबर ते जुड़े हुए, समत अकाली दल दे वल्लों जलंधर दे विच होई हार तो बाद क्योंकि तीजे और चौथे नंबर दई हो रहा इस बार तो फाइट अकाली दल दी और अकाली दल आउट ऑफ द सीन देखिया की एक कोशिश हुई है कि हुण एक बार फिर अकाली दल नूं मुड़ पैरां सिर खड़ा किया जाए, थोड़ी चर्चा च लिया जाए और लोगों नूं महसूस कराया जाए कि अकाली दल है अजे तुहाडे मुद्दियां नूं लैके लड़न दे लई। देखो गुरप्रीत, पानी के मुद्दों को लेकर अकाली दल हमेशा ही लड़ाई लड़ता रहा, तो यह एक सियासत दे विच वापसी लियाउण दी गल है जिहड़ी अज अकाली दल वल्लों कही गई है क्योंकि सियासत तो काफ़ी कोहां दूर जिहड़ी अकाली दल जापदा सी कि काफ़ी दूर जिहड़ा अकाली दल इस वक्त चला गया है तो उसनूं लेके द्वार तो रिवाइव किस तरह न करना पॉलिटिक्स दे विच तां उसनूं लेके एक पाणियां दे मुद्दे नूं लेके जिहड़ा अकाली दल अज धरना दिता जो अकाली दल वल्लों दिता गया तां उसनू लेके सियासत दे विच कितना कितने वापसी है जिहड़ी अकाली दल करदा होया नजर आ रहा है। तां हुण इह देखणा बाकी है कि अकाली दल इस चीज नूं किन्ना कि जिहड़ा होल्ड उह कर पाउंदा क्योंकि दूजे पासे जेकर गल कीती जावे धरना जरूर बेशक अज अकाली दल वल्लों दित्ता गया पाणी दे मुद्दिआं लेके पर दूजे पासे जेकर गल कीती जावे भगवंत मान सरकार वल्लों यू टर्न इस चीज दे उत्ते लिता गया है कि सरहंद फीडर दे विचों कोई भी पाणी है जिहड़ा उह राजस्थान नूं नहीं जावेगा। हालांकि पहलां मीटिंगां होईआं, मीटिंगां दे विच तय भी होया कि सरहंद फीडर राही जिहड़ा पाणी आ उह राजस्थान नूं जावेगा पर अखबारां दे विच खबरां लगियां, अखबारां दे विच खबरां लगण तों बाद दे विच विरोधियां दे वल्लों जिहड़े निशाने ने उह साधे गए, विरोधियां दे निशाने साधन तों बाद जिहड़ा यू टर्न सरकार वल्लों लिता गया जिस तों बाद दे विच इक प्रोग्राम उलीकिया गया श्रोमणी अकाली दल ने जिस तरह नाल कपूरी दे विच धरना दिता सी, कपूरी धरने तों बाद दे विच धर्म युद्ध मोर्चे विच कन्वर्ट होया ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਜ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਾਫੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਤ ਇਸ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਬੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 1250 ਕਿਊਸਿਕ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਪਕਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਰੀਬ 12,800 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੋਟਡ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। Daily Post, Punjab, Haryana, Himachal, Journalism of Hope.